हाय एवरीवन आप सभी के स्वागत है एक और न्यू न्यू वीडियो में एक जानकारी के साथ तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राशन कार्ड में आप किस तरीके से मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं मैं बिल्कुल आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है स्मार्टफोन से ही आप इसी काम को कर सकते हैं So, आज की इस वीडियो में इसी का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इसके लिए आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है राशन कार्ड विथ मोबाइल नंबर लिंक सर्च करते ही इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपको सलेक्ट डाउन करके नीचे आना है आते ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक आधार विथ राशन कार्ड एक्टिव एन डीएक्टिव तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ई e के वाई सी आपके राशन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर या आधार नंबर को लिंक करने को ये बोलते हैं ई के वाई सी तो नेक्स्ट थोड़ा स्लट ऑन करेंगे और यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा है और इस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इंटर राशन कार्ड नंबर आपका जो राशन कार्ड नंबर है आपको इस बॉक्स में इंटर कर लेना है राशन कार्ड नंबर यहाँ पर इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर कुछ सेकंड लोडिंग होगा सकते हैं डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देखने, देखने, आप देख देखने को मिल रहा है वन और यहाँ पर आपको राशन कार्ड में जिस व्यक्ति का नाम है यहाँ पर उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर लिंक है इसलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक देखने को मिल रहा है ठीक है तो राशन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए आपको नीचे स्ट डाउन करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है अगर आप एक साथ में आपकी आधार नंबर प्लस आपकी मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लिंक आधार एंड मोबाइल नंबर पर चेकआउट करेंगे तो एक साथ में ही आप मोबाइल नंबर प्लस आधार कार्ड नंबर लिंक कर सकते हैं राशन कार्ड के साथ अगर आपको सिर्फ मोबाइल नंबर लिंक करना है तो इसके लिए आपको अपडेट ओनली मोबाइल नंबर इस बॉक्स पर आपको चेकआउट करना है तो यहाँ पर सिर्फ हमें मोबाइल नंबर ऐड करना है या लिंक करना है तो इसके लिए हम मोबाइल नंबर अपडेट मोबाइल नंबर पर चेकआउट करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो पहले से एक मोबाइल नंबर लिंक है तो मोबाइल नंबर को यहाँ पर चेंज करना है आपका राशन कार्ड में कोई भी नंबर पहले से लिंक है तो यहाँ पर आपको शो करेगा यहाँ पर आपको लास्ट का फोर डिजिट देखने को मिलेगा नेक्स्ट गेट ओ पर क्लिक करेंगे कुछ सेकंड लोडिंग होगा नेक्स्ट एक पॉपअप शो कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी सेंड सक्सेसफुल नेक्स्ट यहाँ पर ओके okay बटन पर क्लिक करेंगे जो तो यहाँ पर रेशन कार्ड के तो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी गया है और इसका टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फोर डिजिट का ओ आएगा ओ टी पर आपको इंटर करना है अगर आपको ओ रिसीव नहीं होता है तो यहाँ पर आपको रिसेंट ओ देखने को मिल रहा है जहाँ पर टाइमिंग चल रहा है यहाँ पर रिसेंट ओ पर क्लिक करके आप दोबारा से ओ रिसीव कर सकते हैं तो ओ टी करने के बाद नेक्स्ट वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इंटर न्यू मोबाइल नंबर आपका राशन कार्ड में जो है चेंज करना है जो आपके पास प्रेजेंट में है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करने करना है जो मोबाइल नंबर आपको लिंक करना है मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट सेंड ओ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया है उस नंबर पर आपको एक फोर डिजिट का फिर से ओटीपी रिसीव हुआ है उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर ओ बॉक्स पर इंटर करेंगे नेक्स्ट वेरीफाई एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे वेरीफाई एंड सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ देर आपको वेट करना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिंक या चेंज होने का सक्सेसफुली एक पॉपअप शो करेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली आपका कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होने के लिए चौबीस घंटा की टाइम चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको बता दिया है ठीक है ट्वेंटी फोर आवर्स तो ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद जो है राशन कार्ड के साथ आपके मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपके राशन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इस तरीके से आप अपना घर बैठे ही स्मार्टफोन के माध्यम से राशन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं आई होप जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में